मध्य प्रदेश के रतलाम में एक मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों की रैगिंग का वीडियो सामने आया है। इसमें कॉलेज के सीनियर जूनियर छात्रों को लाइन में खड़ा कर उन पर थप्पड़ बरसा रहे हैं, और इतना ही नहीं, जब रैगिंग की शिकायत मिलने पर वार्डन वहां गए तो कुछ छात्रों ने उन पर शराब की बोतलें फेंक दी। रैगिंग की घटना के बाद कमेटी ने आरोपी सीनियर छात्रों को 6 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड करने और हमेशा के लिए हॉस्टल से निकालने की सिफारिश की है, और इसके साथ आरोपियों पर केस दर्ज करने की सिफारिश भी की गई है। अब क्या कार्रवाई हो रही है जो छात्र थे? हमको अभी क्लासेस से सस्पेंशन का एक प्रावधान हमने मतलब रिकमेंडेशन किया है, और सेकंड हॉस्टल से निष्कासित परमानेंटली। जो कितने छात्रों के साथ मारपीट की गई थी? अब वो उस वीडियो में क्लियर नहीं हो रहा है कि कितने छात्रों के, जो दिख रहे हैं वो तो 7-8 ही दिख रहे हैं सामने। इससे पहले भी शिकायत आई थी इस तरह की उस समय? हाँ आई थी, हमने उसमें भी जाँच की इमिडिएटली, लेकिन उसमें कुछ दोषी पाए गए थे जिसके अगेंस्ट में हमने एक्शन भी ली कि 3 महीने के लिए उनको क्लासेस से सस्पेंड और हॉस्टल से निष्कासित किया था।